नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। कुक्षी के धार जिले में अधिकारी मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत बच्चों के भोजन पर डांका डाल रहे हैं। स्व सहायता समूह से खुलेआम पैसा मांगते हुए हुआ ऑडियो वायरल। मामला धार जिले के निसरपुर विकास खंड का है, जहां सहारा समूह नर्मदा नगर के नाम से संचालित है। वहीं ग्राम नर्मदा नगर के स्कूल बच्चों को मिड डे मील स्व सहायता समूह द्वारा मुहैया करता है। इसी को लेकर जन शिक्षा केंद्र निसरपुर के मिड डे मील प्रभारी घमंडी लाल कर्मा का ऑडियो में बेशर्मी के साथ स्व सहायता समूह के संचालक पर दबाव बनाकर मिड डे मील प्रभारी पैसे की मांग कर रहे हैं। ऑडियो में यह तक कहा जा रहा है कि हमें ऊपर तक पैसे पहुंचाना पड़ते हैं। वहीं ऑडियो रिकॉर्ड में अपशब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसको लेकर ऑडियो वायरल का खुलासा करते हुए स्व सहायता समूह के अध्यक्ष जानकी बाई ने बताया कि हम बच्चों को घर घर जाकर गेहूं चावल बांटते हैं और घमंडी लाल कर्मा हमसे हमारा समूह छीन लेने की धमकी देकर पैसों की मांग करता है। वीडियो वायरल को लेकर बीआरसी अधिकारी का कहना है कि इस मामले में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऑडियो की जाँच विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जाँच दल बनाकर जाँच जारी। अभी मध्याह्न भोजन प्रभार से घमंडी लाल कर्मा सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त कर दिया गया है। तू कितना पैसा दी का आयो? 3000। हाँ, 3000 वहां से 50 ले लेजे तू। हाँ। और वो प्रमाण पत्र मका दी देजे। ठीक है, 3000 रुपए तू कसो दी के ना आयो? तो मामा जी, 3 पहले दी, अच्छे हुएगा। नहीं, मारी बात सुन, वो तू पैसा 50 ले ले, मगर प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है नी, मगर प्रमाण पत्र चाहिए। तूने मगर बेवकूफ समझी रखे, मगर ये बताए 3000 तो दिन। नहीं नहीं, मारी बात सुन, मगर तू जब तक एक बात बताओ, पहले यहाँ से वहां तक अभी तुको अभी काई करो? मतलब राहुल तो इतने बेवकूफ नहीं है यार, जितने तुम समझा रहे रहे। तूने काई बोले तो हाँ पर हाँ ये करी रो। आप गहूं कितना बचेला छे? अभी कितना क्विंटल बचेला छे? हम देखो कितना काई बचेला छे। नहीं, कितना क्विंटल छे? मारा तो हिसाब में छे मार पास। आप कितना क्विंटल बचेला छे ये मक बता। हाँ तो हम देखें फिर बता देऊंगा। हाँ मक बताई दे, कहाँ छे तू अभी? हाँ अली राजपुर जाएगा। आप अभी अली राजपुर जाएगा? हाँ तो तू मक वो बता। हाँ हाँ, मगर बता तू, मगर 3000 रुपए देने को वहां गए तो? हाँ तो मामा जी, 3000 पहले दी दे। 3000? नहीं नहीं, मका आते ये छूटा था का धंधा नहीं करना। पहले भी तुमने वो करा था, अभी भी तुम मतलब ये करी रहे। चलो ठीक है, आप नहीं, आप मका प्रमाण पत्र दे दीजिए, बस बात खत्म कर दो। आप नहीं नहीं, मका नहीं, मका तू मका बेवकूफ समझी रोज। आप तू रहना दे, मका नहीं करना मिला, बस बात खत्म कर। आप मेरा ये कहना सर कि जिस समूह ने शिकायत की है वो उनका क्या मैटर है ये पता नहीं है। उन्होंने पूर्व में भी ऐसे कोई शिकायत नहीं की, ये तो अचानक वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और घमंडी लाल कर्मा ने बताया गया कि यार उच्च अधिकारी को भी इसमें शामिल है, लेकिन ऐसा कोई आरोप निराधार है, कोई शामिल नहीं है, हमने ऐसे कोई मांग नहीं की गई किसी भी अधिकारी द्वारा। अब इनका जो समूह और इनका क्या मैटर था ये हमें पता नहीं है। जैसे ही हमको ये ऑडियो वायरल हुआ, मैंने श्री घमंडी लाल कर्मा को मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ के जो प्रभार से और बी एस सी के पद से कार्यमुक्त करके मूल संस्था प्राथमिक विद्यालय नर्मदा नगर में मैंने कार्यमुक्त 7 तारीख को ही दोपहर पश्चात कर दिया है, जैसे ही वीडियो ये ऑडियो वायरल हुआ है। और समूह के द्वारा जो शिकायत की गई उसकी भी एक जाँच कमेटी बनाई गई है, जैसे ही जाँच हो जाएगी जो भी कार्रवाई होगी कर्मा सर के ऊपर वो हम उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। अभी जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है सर? अभी नहीं आई है सर, क्योंकि समूह के द्वारा पूर्व में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं गई। यदि अगर पैसे की मांग की जा रही थी तो उसी वक्त उन्होंने शिकायत करना थी, 2-3 बार हो गया बोले। लेकिन अब हमें इस ऑडियो से कोई मतलब ही नहीं है, कोई उच्च अधिकारी द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिए गए कि पैसे वसूल किए जाएँ, और जाँच कमेटी बिठा दिए, जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं करूँगा। क्या नाम है? जानकी भाई। जानकी भाई बताओ कि ये समूह कब से चला रहा हो? डेढ़ दो साल हो गया सर। समूह का नाम क्या है? सहारा समूह नर्मदा नगर। नहीं सर, हम बच्चों को गेहूँ बांट रहे इसलिए आप आए। क्या घर बैठे हो? हाँ, घर बैठे देना पड़ता सर। अच्छा बताइए, क्या हुआ था आखिर को, ये बात ऐसी विवाद क्यों हुई?
सर बार बार वो कॉपिन लेते कि गेहूँ का कॉपिन आते तो कर्मा सर बोलते कि जब कॉपिन देऊँगा पैसा देगा तो कॉपिन देऊँगा नहीं तो नहीं देऊँ। तो हमने ऐसा बोला, पहले 4,500 रुपया दे दिया, फिर उसके बाद और बोलते कि बोले कि और पैसा देगा तो कॉपिन दूंगा। तो वो महेश नावी है तो उसको महेश नावी को दे के आओ पैसा। तो हमने बोला 3,000 रुपये पहले दे दिया, फिर उसके बाद और बोलते कि 3,000 और दो। तो हमने बोला कि 3,000 नहीं देंगे। तो बोले कि हाँ पैसा नहीं देगा तो मैं देशवाड़ा में और नानदा में सब दूर समूह छीन लिए तो इसलिए जानकी भाई पैसा नहीं देगा तो मैं आपसे समूह छीन लूँगा, ऐसा बोलता कर्मा सर। अच्छा हाँ, और बोलते कि 6,000 तो ले लिए और उसके बाद 10,000 रुपया देगा तब मैं आपको टोकन दूंगा नहीं तो नहीं दूँ, ऐसा बोलता। अच्छा, फिर आपने शिकायत किसको करी? हमने सबसे पहले बीओ ऑफिस में और मैडम को भी दिए, बीओ मैडम को जनपद में और एसडीएम साहब को भी दिए। अच्छा, सबको दिए। क्या बोले एसडीएम साहब, कुछ बोले क्या? नहीं अभी कहीं नहीं, वो प्राप्ति वापस आई ली। और एक दिन हमारा बयान ले लिया वहाँ स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में गए थे वहाँ हमारा बयान हो गया। आपने बयान में क्या बताया? जो हमारी तकलीफ थी सर ये बताया, पूरी बता दी। हाँ अच्छा, जैसा हमको बता रहे आप जी, बार बार पैसा पैसा रात में भी आके दरवाजा ठोकते। अच्छा। और 10-10, 11-11 बजे रात को आके पैसा की मांग करते, दरवाजा खटखटाते। हमने बोला कि बच्चों को गेहूँ है तो बच्चे के बांटेंगे, तो बोले कि गेहूँ मत बांटो और गेहूँ बेच के पैसा मत दो, ऐसा बोलता कर्मा सर। अच्छा। तो मैं ऐसी अत्याचार नहीं करूँगा और नहीं किसी को करना दूंगा कि गरीब लोग ने का गेहूँ आएला, गरीब लोग ने का दो, घर जा जा के बांटना चाहिए सर, मैं भी बांटूंगा और सब लोग बांटना चाहिए। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से सोएब खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।